जय माता दी। अल्टीमेट ज्ञान आपका हार्दिक स्वागत करता है। दोस्तों, महाकाल भैरव भगवान भोलेनाथ के ही एक रुद्र के रूप में अवतार हैं, और ये जो महाकाल भैरव हैं, ये शत्रुओं के नाश के लिए ही जाने जाते हैं। अब बेहद कोई शत्रुओं से परेशान है तब मैं आपको जो उपाय बताऊंगा, दोस्तों यह इतना उत्तम और कारगर है कि यदि आप भी हैं परेशान तो अवश्य कर लीजिए। और यह बात आपको मैं बता रहा हूं कि बड़ा ही सरल उपाय हमारा हुआ करता है। अब सरल उपाय है तो इसका अर्थ ये ना समझना कि सरल उपाय काम ना करेगा। बस शनिवार से इसे प्रारंभ कर देना है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये जो आपको दिखाई दे रहा है, मैंने जो कागज पर लिखा, अब दोस्तों कागज पर लिखा है तो ये ऊपर वाला जो मंत्र है, ओम हम सम नम गम कम सम खम, यही भैरव की उत्पत्ति का मंत्र है। इसी मंत्र से भैरव की उत्पत्ति हुई, और इस यह बीज मंत्र है ऊपर का, और इसके नीचे दिया है ओम श्री महाकाल भैरवाय सर्व शत्रुणाम नाशे नाशे हुम फट। ये आपको दिखाई दिया होगा, वैसे स्क्रीन पर मैं डाल दूंगा, पर आपने करना क्या है, शनिवार के दिन रात्रि 8 बजे के पश्चात, 8 से 9 के बीच में आपने इस कागज पर काले पेन से यह इसी प्रकार से लिख देना है। बस बड़ा आसान है। और लिखने के बाद आपने अपना एक खाली पात्र लेना और उसमें इसे इस प्रकार से रख देना। बस दोस्तों, ये आपने रख दिया इसमें। अब इसमें रखने के पश्चात आपने करना क्या है, इसमें 8 काले उड़द के दाने डाल देना। उड़द तो आप समझते ही हैं, जिनकी दाल आप खाते भी हैं, साबत उड़द मिल जाते हैं। आपने 8 काले उड़द के दाने लेने हैं और इसमें रख देने हैं। रखने के बाद इसको ऊपर से इस प्रकार से बंद कर देना। बस हो गया काम। इसे अपने पूजा स्थान पे रख देना और आपने 8 बार इन्हीं मंत्रों को बोलना है। पूजा स्थान में रखने के बाद आपने 8 मंत्र ये बोलने हैं जो मैंने कागज पर लिखे हैं। इसे आप उतार लेना। आपने आराम से नीचे आसन पे बैठ जाना है। यदि आपका पूजा स्थान ऊंचाई पर पड़ता है कहीं, तो उस वक्त जब आप करें तब इसे उतार कर अपने सामने रख लें। बस इतना ही है। और 8 बार इन मंत्रों को पढ़ें। बस दोस्तों, करने के बाद इसे उठा करके और अपने पूजा स्थान पे ही रख देना। अब पूजा स्थान पर रखोगे तो बस आपका कार्य समाप्त है। अगले दिन शनिवार से बाद अगले दिन रविवार को फिर ऐसा ही 8 से 9 के बीच में इसे उतार करके और 8 बार इन मंत्रों को बोलना है। फिर इसे उठाकर पूजा स्थान पर रख देना है।
शनिवार, इतवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार और शनिवार, अगले शनिवार को भी, यानी 8 दिन आपने इस प्रयोग को करना है। और रविवार को आपने इसे अपने पात्र को रख लेना और इसको अच्छी प्रकार से फोल्ड कर लेना, और जहां पर भी पानी भरा है, किसी के पास में बहता पानी है तो बहते पानी में, और खड़ा हुआ पानी है तो खड़े हुए पानी में डाल देना। मंत्र आपकी स्क्रीन पर है, मंत्र आप देख लेना, याद नहीं हो तो इस मंत्र को लिख लेना। बस इतना सा कर देना दोस्तों, आपके शत्रु का नाश संभव है, किसी भी प्रकार से हो। शत्रु नहीं रहेंगे या शत्रुता छोड़ देंगे, विचार बदलेगा, क्या होगा ये आप स्वयं देखेंगे। बस 8 दिन 8 मंत्र रोजाना कर ले। पर दोस्तों अच्छा लगता है तो अपने यार दोस्तों को बता दें। आपके लिए सिर्फ इतना ही, आप अपने लाइक का ध्यान रखें। शेष फिर मिलते हैं दोस्तों नए अंक के साथ, तब तक के लिए जय माता दी।